शहर के राष्ट्रीय महामार्ग पर उपजिला रुग्णालय के पास अदरक से भरा ट्रक पलटी हुआ है। इस दुर्घटना में चालक वाहक सौभाग्य से बच गए, लेकिन ट्रक का भारी नुकसान हुआ है। आज दोपहर 12 बजे के दरमियान अनंतपुरम बैंगलोर से इलाहाबाद बनारस की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक AP39W6529 के चालक का ट्रक पर से नियंत्रण छूटने से ट्रक पलटी हुआ, जिसमें चालक वाहक की जान तो बची लेकिन ट्रक का भारी नुकसान हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अजहर खान, नीति राजपूत और प्रदीप राठौर ने घटनास्थल पहुंचकर अपघातग्रस्त ट्रक को बाजू में करके यातायात के लिए मार्ग खुला कर दिया। आगे की जांच हिंगनघाट पुलिस कर रही है। इस मार्ग पर इस तरह की कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई। उपजिला रुग्णालय चौक और कलोडे चौक पर दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से यहां पर भी उड़ान पुल बनाने की मांग कई बार की जा चुकी है। इन दोनों चौक पर भारी यातायात रहता है। राष्ट्रीय महामार्ग होने से भारी वाहन लगातार गुजरते हैं। इसी के साथ आसपास के देहात के लोग भी बड़ी संख्या में यहीं से गुजरते हैं। उपजिला रुग्णालय में आने जाने वालों की तो हमेशा भीड़ लगी रहती है और इस वजह से इन जगहों पर दुर्घटनाओं का सिलसिला हमेशा रहता है। इसी तरह नानका चौक पर भी लगातार दुर्घटनाएं होती थी, तब भारी मांग पर वहां उड़ान पुल बनाया जा रहा है। अब रुग्णालय चौक और कलड़े चौक पर भी उड़ान पुल बनवा के लगातार हो रही दुर्घटनाओं से राहत दिलाने की मांग की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।